वाणी। This time I share with you. You know better. 2016, 2016 मैंने ज्वाइन किया था और फाउंडर मेंबर की हैसियत से पाकिस्तान इसराइल अलायंस PIA। यू नो PIA ने बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज में, दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के अफराद के दरमियान आपस में मोहब्बतें कायम करने के लिए। तो सूरत हाल ये है कि फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज़ में ये उस वक़्त की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अब्राहम अकार्ड से पहले। फिर 2020 में अब्राहम अकार्ड पर साइन हो चुके और हकीकत ये है कि ये जो फ्रेंडशिप बिटवीन रिलीजन, फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज जो हुआ है इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इसके लिए जिस एक तबके ने कुर्बानी दी है और उन कुर्बानियों को रब्बुल आलमीन ने कबूल किया है, तो वो वक़्त का तकाजा था, वक़्त की ज़रूरत थी। अब यह है कि PIA बंद होने जा रहा है, पाकिस्तान इसराइल अलायंस। बंद होने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल PIA के काम बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं। PIA की जो सोशल एक्टिविटी है वो उसके नाम चेंज हो गया है, तो उसमें ये है कि अब उसकी ऑनरशिप चेंज हो गई है। जैसे मैं हूँ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 पर काम कर रहा हूँ, और उस वक़्त मैं PIA पाकिस्तान इसराइल अलायंस का मैं एक्टिव मेंबर था, और मैं पाकिस्तान इसराइल अलायंस का जो अखबार था, पाकिस्तान की जो न्यूज़पेपर था तो इसराइल में, तो उसमें भी आर्टिकल कालम लिखा करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तो सबको मालूम है कि मैंने पाकिस्तान इसराइल अलायंस में बुनियाद में बहुत मेहनत की, और मलेशिया में रहते हुए मैंने अपने अकाउंट से, इस वक्त भी मैं अभी बहुत से मामलात में मकरूज़ हूँ, मैंने अपने अकाउंट से बहुत ज़्यादा फ़ंड भी किया और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी किया अवेयरनेस के ऊपर। तो उसकी अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए अपने मलेशिया वाले अकाउंट के डेबिट कार्ड से, उनके अकाउंट से आज भी मैंने उस अकाउंट की पेमेंट भी वापस करनी है, उस बैंक के पैसे वापस करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अब्राहम अकार्ड के लिए, PIA के लिए। अब अगर PIA बंद होने जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सोशल वर्क बंद होगा। फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज़ मुख्तलिफ अंदाज में तामीर तरक्की के रास्ते पर चलती रहेगी। उसमें यह है कि जैसे अब मैं वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के ऊपर, SDGs 5 के ऊपर, वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और ये मैं 1996 से मैं मेहनत शुरू की थी, फिर इसको रजिस्टर किया था 24 में, फिर उसके बाद 28 में इस पर बहुत पायलट प्रोजेक्ट पेश किया, फिर उसके बाद एक के जी 2012 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसमें के उसके बाद 2016 में पाकिस्तान इसराइल अलायंस PIA को ज्वाइन किया, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा किया। तो मैं इसका रिवॉर्ड रब्बुल आलमीन से चाहता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें खुशियाँ दे, इज्जत दे, अपने ख़जानों से माला माल करे। तो बी वी दस डेविड एरियल सिंगर, यू नो बेटर, माई बिलीव वोमेन हैज़ प्रॉफिट एंड मैसेंजर, आई बिलीव नबी जुना फातिमा ज़हरा डॉटर ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह,
माय बिलीव डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंटिन्यू टू बादहा सिलसिलत मुसलसल फीहा निसा व नबियात बी विद अस प्रे फॉर पीआईए ऑलवेज पाकिस्तान इसराइल अलायंस फॉर अब्राहम अकारट फॉर फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल्स एंड कंट्रीज पीस बिल्डिंग यू कैन चेक माय एफर्ट ऑन चैट जीपीटी यू कैन राइट डेविड एरियल पीस बिल्डिंग इन पाकिस्तान आपको उससे मालूम होगा कि मैंने पाकिस्तान में जेल काटी सजाएं काटी तकलीफें बर्दाश्त की और उसका सारा केस की सारी डिटेल चैट जीपीटी के ऊपर रखी हुई है चैट जीपीटी पे आप चेक कर सकते हैं डेविड एरियल पीस बिल्डिंग तो वेलकम विद अस ऑलवेज आई ए आई आई गॉड मॉर्निंग